हेलो एवरीवन, मैं हूं नेमत और आप नेमत खाना देख रहे हैं। आज की रेसिपी है रबड़ी। इसे मैंने बस एक कप दूध से यानी लगभग 150 ml दूध से तैयार किया है। मैंने इसे आज मीठे टुकड़े के साथ पेयर किया है। आप चाहें तो मालपुआ, काला जामुन के साथ इसे सर्व कर सकते हैं या बच्चों को पराठे के साथ परोस सकते हैं। घर का बना हुआ बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही टेस्टी ये तैयार होता है, बहुत ही आसानी से भी बनता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर दूध को स्लो फ्लेम पर रखा है और इसको मीठा करने के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 teaspoon पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। पिसी हुई चीनी डालना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने 1 teaspoon मिल्क पाउडर को 2 teaspoon पानी में घोल कर रखा हुआ है, तो ये इसमें डाल देना है। इसे अच्छे से चला लेना है ताकि ये इसमें मिल जाए। साथ ही यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी इसमें घोल कर डालेंगे। जी हाँ, 1/2 teaspoon कॉर्नफ्लावर को 1 teaspoon पानी में हमने घोल कर रखा है, वो भी इसमें मिला देना है ताकि इसमें थोड़ा गाढ़ापन आ जाए, लेकिन उसे हम सबसे आखिर में डालेंगे। पहले इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालते हैं। अब इसे इसमें थोड़ा सा कतरी हुई ड्राई फ्रूट्स डाल लेना चाहिए ताकि ये देखने में भी कुछ अच्छा हो जाए। तो रबड़ी हमारी अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर का घोल मिला लेते हैं। ये इस तरह का घोल हमने बनाया है और देखिए इसके डालते ही रबड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे उबाल आने पर आंच को बंद कर देना है और जितनी गर्मी हमारे पैन में है उसी में ये गाढ़ा हो जाएगा। लगातार चलाते रहें ताकि गुठली इसमें ना पड़ने पाए। देखिए आप देख सकते हैं कि रबड़ी गाढ़ी हो चली है। आप इसे घर पर बनाकर देखें, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और इस लॉकडाउन के समय में बाहर से कोई मिठाई लाना पॉसिबल नहीं है, तो जब मीठा खाने का मन करे इस तरह से आप घर में बना सकते हैं इसे। अब ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, तो हम करेंगे अपने फ्लेम को बंद कर देंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये ठंडी रबड़ी आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मैं एक नज़र इसे क्लोजअप में दिखाना चाह रही थी। देखिए ये बिल्कुल थिक हो चुका है, बिल्कुल फिरनी की कंसिस्टेंसी जैसा हो चुका है। तो अब ये रेडी है किसी चीज़ के भी ऊपर डालने के लिए। देखिए कितना आसान है इस तरीके से रबड़ी बनाना। और हम पहले रबड़ी बनाने के लिए 1 liter दूध मंगवाते हैं, तभी सोचते हैं कि रबड़ी तैयार हो सकती है, लेकिन हर बार सिचुएशन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी हम अकेले होते हैं और मन करता है कि रबड़ी खाएं, तो फिर बड़ी क्वांटिटी बनाकर बेकार हो जाने का डर रहता है। तो आप इस तरह से छोटी क्वांटिटी में रबड़ी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहले से ही ब्रेड की 2 slices से 4 टुकड़े मीठा टुकड़ा का तैयार किया हुआ है। अब इसके ऊपर मैं इस रबड़ी को सर्व करती हूँ। ये बहुत ही लाजवाब रबड़ी तैयार हुई है और सर्व करने के बाद ये मीठा टुकड़ा भी बहुत ही जबरदस्त होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये छोटी सी क्वांटिटी वाली रबड़ी बिल्कुल बनकर रेडी है और अब ये 4 लोगों के लिए बहुत आराम से सर्व की जा सकती है। तो है ना, ये बहुत ही आसान तरीका। आप कभी भी किसी वक्त भी
आप बिना एक्स्ट्रा मेहनत के और बिना एक्स्ट्रा बजट पर खर्च किए हुए ये रबड़ी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे आप बनाएं, खाएं और फिर अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें कि आपको ये रबड़ी कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही मज़ेदार सी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।